चलो लाली कर यार फोटो। ओए हरजीत, हरजीत यार चंद सिंह जी बहुत खुशी हो रही है जी। अपने जिन्हें रोज अरदास करते हैं जी आप भी जोड़े विछड़े वे गुरधाम उन्होंने दर्शन दारे करने मतलब बल बख्शे उन्होंने अच्छे दर्शन कर जा रहे हैं जी। बहुत खुशी हो रही है जी। ननकाणा साहब है जी, ननकाणा साहब पंजा साहब है जी, गुरु अर्जन देव साहब का लाहौर है जी, करतारपुर साहब है अज चलिया 21 तरीक नी 30 तरीक नी वापस आना जी। जैसे नहीं दूजी बार चलिया जी 1986 च गया जी। किस तरह बहुत खुशी हुई है जी। 35-36 साल बाद दोबारा फिर मौका दिता महाराज ने। खुलने तो चाहिए थे सारे मतलब जिन्होंने मन चाहिए वो कई हम इतों आके बेचारे वापस मुड़ के गए हैं। एक तो उन्होंने नाल पिंड चो वीजा लग गया, दूजा मुड़ के गया जी। वो फिर मन तो उदास हों जी। दोनों देशों अपील यही करा जी, जिन्हें भी जाना चाहते हैं मतलब उन्होंने जो वीजे लगन तो सारे अपने खुशी खुशी अपना दर्शन दारे करते आ लगता है। जो मिलवर्तन ने जो होंगे जैसे एक दूजे के मुल्क जाते हैं जी, दर्शन दारे करते हैं, लोगों का मिलवर्तन होंगे जी, सारे बहुत खुशी होंगी, नेड़ता वधदी है जी। हाँ जी देखो मैं तो एक सेवादार के सेवादार बन के जा रहा, खुशी तो चलो जब आप जाने अपने नाल चार भाई ने अपने वो तो खुशी आ, पर जिहड़े काम नूं असीं जा रहे मकसद नूं जा रहा है महाराज रणजीत सिंह की बरसी आ, जिहदे राज नूं जिथे सिख बहुत शिद्दत नाल देखते ने ते उत्थे हिंदू ते मुसलमान च भी उन्होंने बहुत बड़ा सत्कार कि उन्होंने मानच की जात सब एक पहचान बोध मुताबक सारे धर्म का सत्कार किया। जिथे उन्होंने गुरद्वारा साहब लई जायदादां दित्तियां, हरिमंदर साहब लई सोने की सेवा की, उत्थे हिंदू मंदिरों लई ते मसीतां लई भी उन्होंने कोई कसर नहीं छड्डी। तो अज भी जब पंजाब के लोग सोचते हैं चाहे पंजाब के ने चाहे पाकिस्तान के, उन्होंने मन में यह जरूर होंगे भी यार महाराज रणजीत सिंह का वर्गा राज साडा होना चाहिए। ये तो तुम अंदाजा ला लो भी उन्होंने किन्ना क वधिया राज थी। उन्होंने राज विच सिक्ख्या के खेत्र च बहुत मल्लां मारियां गईयां ते साखरता बहुत वड्डी पद्धर ते सी, ते जिहड़ियां तनखाहां सन ते होर सारे इंग्लैंड नौ भी जिहड़े साडे सिपाहियां दीआं तनखाहां सी वो वध सी। ते जदों काल पिया तां महाराज ने लंगर अपने खजाने के मूँह संगतां वल खोल दिते, किसी चीज़ की उन्होंने घाट नहीं आन दी खुराक की ज होर, तो वह जहाँ राज था जी आज यार फिर तो साड़ी जिंदगी असं ऐ समझ भी स्वर्ग च ही। कुछ जो वीजे ने देखो पता नहीं वो की साबित करना चाहते हैं। असं केवल दर्शनों लिए जा रहे ना, असं व्यापार करना ना उत्थे रहना, तो 10 दिन साड़ी वापसी है। ये मंदभागी गल आ, जिन्हें श्रोमणी कमेटी भेज दी नहीं मंग करती हैगी बीजा की पाकिस्तान सरकार ने उन्हें देने चाहिए। गुरद्वारा साहबान की मैं पहला 82 च गया थी, वो मुताबिक उन्होंने जोड़े हालात ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। आबादी साड़ी उत्थे घट है, केवल 25,000 सिख आ सारे पाकिस्तान च, पर फिर भी पड़ा दड़ पर उत्थे वधिया हो रहा। तो गल तो जी गल आख तुम कर रहे देखो गुरुद्वारे के सरदार रंग का गल करनी ही करनी है, ये तो साडा मुढ़ला फर्ज है।
हर साल की तरह इस साल भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जथा भेजा जा रहा। इस जथे की अगवाई सरदार भुपिंदर सिंह जी भलवान, मैंबर श्रोमणी कमेटी सरदार रविंदर सिंह जी खालसा, मैंबर श्रोमणी कमेटी कर रहे हैं। इस जथे 276 नाम भेजे गए सन, जिन्हों 71 नाम पंजाब सरकार, सेंटर सरकार ते पाकिस्तान सरकार ने कट दिए ने। जिन्हां संगतां दे नां कट्टे गए ने उन्हां दे मनां च बहुत रोस आ, क्योंकि वो दर्शन जिहड़े गुरधाम सिखां तों विछड़े गए ने उन्हां दर्शनां लई हर सिख लोचदा। ते जिन्हां ने पासपोर्ट दे नां कट्टे गए ने वह भी संगतां चाहुंदियां सी कि असीं गुरु घर दे दर्शन कर सकीए। मैं समझदा कि ये सरकारां नूं अगे बड़ी वड़ा बेनती कीती आ, हुण वी बेनती करदे आ कि वध तों वध वीजे जिहड़े उह सिखां नूं दित्ते जाण, तां जिहड़े सिख उह जिहड़े पाकिस्तान च स्थित गुरधाम ने उन्हें दर्शन कर सकन। इस जथे की अगवाई सरदार भुपिंदर सिंह जी प्रवान कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जिहड़े जिन्हें भी उत्थों के सिखा ने मसले ने या गुरद्वारा साहिबान के प्रबंध संबंधी मसले ने उत्थों सिखा उत्थों की सरकार नाल विचारे जाणगे। ये जथा 29 तरीक नूं महाराज रणजीत सिंह की बरसी मना के 30 जून वापस अमृतसर आएगा। वाहिगुरू जी।